उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। आज से हम मैथ का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और यदि आपका सहयोग हो तो मैथ को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है नंबर डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, कि किस नंबर से कौन सा संख्या विभाजित हो जाता है, इसका क्या नियम है, इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला है कि टू से विभाज्य का नियम, दो से विभाज्य का नियम अर्थात टू से डिविजिबिलिटी का मेथड। तो वह संख्या जिसके अंत में शून्य, दो, चार, छ व आठ आए, वह संख्या दो से विभाज्य है, ठीक है। ऐसी संख्या जिस संख्या के अंत में अर्थात आखिरी वाला अंक जीरो, दो, चार, छ या आठ है, वह संख्या दो से पूरी पूरी विभाज्य है, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल के तौर में इसको देख लेते हैं। क्या है, 4, 2, 6 है, ठीक है ना। इसको दो से विभाजित करते हैं। दो से देखिए, चार कितना बार कट जाएगा, दो बार में, ये दो एक बार में, और छ तीन बार में, ठीक है। तब ये संख्या क्या है, पूरी पूरी डिवाइड हो गया दो से, ठीक है ना। आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। ये दो से तीन है, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, बचेगा एक, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर दो से डिवाइड करेंगे, दो अठे 16, आठ बार में चला गया और रिमाइंडर एक बचा, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, जो हासिल बचा यहाँ पे एक आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब 18 हो जाएगा। 18 कितना से कट जाएगा, 9 बार में, दो से 9 बार में। आइए इसको देख लेते हैं, दो से, ठीक है, पाँच को काटे हैं दो बार में, दो दूना चार, बचा एक, यहाँ पे आएगा तो 16 हो जाएगा। फिर ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में, और 0 है तो 0 उतार दिए, ठीक है। तो ये दो से डिवाइड हो गया, ये है 422। दो से डिवाइड करते हैं, ये दो बार में और ये एक बार में, फिर ये एक बार में, तो ये क्या है, ये संख्या पूरा दो से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और ये एक और देख लेते हैं, जैसे 431 है, ठीक है ना। इस संख्या के अंत में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये वाला संख्या देखिए, दो से डिवाइड करते हैं, दो दूना चार, और ये बचा तीन है, तो ये एक बार में जाएगा, दो एकम दो, ये हो गया 11। अब 11 को दो पचे 10, 10 तो आ गया, ठीक, लेकिन बच गया एक, तो ये क्या हो गया, पॉइंट में चला गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दो से डिवाइड नहीं है पूरा पूरा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीन से डिविजिबिलिटी का नियम, ठीक है ना, तीन से विभाज्य का नियम। तो वह संख्या जिसके अंकों का योग तीन से विभाज्य हो, वह संख्या तीन से विभाज्य होगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे क्या है, 3, ठीक है, ये एक संख्या हो गया। आइए इसको चेक करते हैं, क्या ये तीन से विभाज्य है कि नहीं। तो दिए गए संख्या, संख्या के अंकों का योग, ये अंक क्या है, 3 + 1 + 2 + 7 + 2 इक्वल टू कितना गया, 3 × 1 = 4, 6 × 7 = 13, 13 × 2 = 15। ये 15 देखिए तीन से विभाज्य है कि नहीं है, तो 3 × 5 = 15, पांच बार में, अर्थात ये संख्या क्या है, तीन से विभाज्य है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 4 + 1 + 5 + 2 + 3, ठीक है ना, 4, 1, 5, 2 और 3। अब इनको जोड़ लेते हैं, 4, 1, 5, 5, 10, 2, 12 और 12, 3, 15, ठीक है। 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है, अर्थात ये भी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है, और ये भी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 से विभाज्य का नियम भी समझ में आ गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 4 से विभाज्य का नियम क्या है, दिए गए संख्या के आखिरी के दो अंक, आखिरी के दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, वो संख्या क्या है, 4 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। आइए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, इसके आखिरी वाले दो अंक देखते हैं, ठीक है ना, ये 4 से है
चार से दो बार में और ये चार से एक बार में। आखिरी वाले दो डिजिट क्या है, चार से विभाज्य है ना, अर्थात ये पूरी पूरी संख्या चार से विभाज्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आइए ये आखिरी वाला टू डिजिट चेक करते हैं। ठीक है ना, चार से भाग देते हैं, चार एकम चार, बचा कितना, सात में से जाओगे तीन, ये कितना देगा बत्तीस, चार से कितना बार में जाएगा अठारह बार में। ठीक है ना, अर्थात ये आखिरी के दो संख्या चार से कट गया, अर्थात चार से विभाज्य है। अब अतः ये कह सकते हैं इस नियम के अनुसार ये पूरी पूरी संख्या क्या है, चार से विभाज्य है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पांच से विभाज्य का नियम क्या कह रहा है कि दिए गए संख्या अर्थात वह संख्या जिसके अंत में जो डिजिट होगा वो जीरो होना चाहिए या पाँच होना चाहिए, तो वो संख्या पाँच से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, देखिए ये बारह है ना, ये आखिरी में क्या है, दो है, जीरो या पाँच है, नहीं है ना, आप डिविजिबल करके देख लीजिए पाँच से, पाँच दूना दस और फिर दशमलव में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, दो बचा तो पाँच चौकी दो दशमलव चार, अर्थात ये क्या है पाँच से पूरी पूरी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फाइव जीरो, ये देखिए पाँच से डिविजिबल करिए, पाँच से भाग दीजिए, आखिरी में जीरो है ना, तो पाँच से कितना बार में जाएगा दस बार में। ठीक है ना, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये पाँच हो। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आखिरी में क्या है पाँच है ना, तो ये संख्या क्या है पूरी पूरी पाँच से विभाज्य है। आइए एक और देख लेते हैं, इस संख्या के आखिरी में क्या है जीरो है, तो ये भी संख्या क्या है पांच से विभाज्य है, आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, छह से विभाज्य होने का नियम क्या है, ऐसा संख्या जो दो से भी विभाज्य हो और तीन से भी विभाज्य हो। जैसे देखिए ये वाला संख्या क्या है, आखिरी में चार है ना, आखिरी में क्या है चार है ना, तो ये संख्या क्या है दो से भी विभाज्य होगी। अभी इसके पहले ही बताया ना कि दो से विभाज्य के नियम में क्या है, जिसके वह संख्या जिसके अंत में जीरो दो तीन चार छः आठ है। ठीक है, तो इस संख्या के आखिरी में क्या है चार है, तो यह संख्या क्या है दो से विभाज्य होगी। और आइए चेक कर लेते हैं कि क्या यह संख्या तीन से भी विभाज्य है कि नहीं, तो इसको ऐड कर लीजिए पूरे अंक को, वन प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस टू प्लस फोर इक्वल टू फाइव वन सिक्स, सिक्स और थ्री नाइन, नाइन और टू इलेवन, इलेवन फोर फिफ्टीन, क्या है ये तीन से डिविजिबल है पांच बार में। ठीक है ना, तो ये वाला संख्या क्या है छ से भी विभाज्य है। ठीक है, जैसे आइए एक और देखते हैं, चलिए ये वाला संख्या देखिए, इसके आखिरी में क्या है दो है, तो ये संख्या दो से विभाज्य है। ठीक है ना, अब आइए चेक कर लेते हैं कि क्या यह संख्या तीन से भी विभाज्य है कि नहीं, तो जो डिजिट दिया है इसको ऐड करके आप वेरीफाई कर लीजिए, फोर प्लस सिक्स प्लस टू प्लस एट प्लस सेवन प्लस वन प्लस टू, देखिए कितना रहेगा, छः चार दस, दस तो बारह, बारह आठ बीस, बीस सत्ताईस, सत्ताईस एक अट्ठाईस, अट्ठाईस दो तीस, ये तीस क्या है आप ये तीन से डिविजिबल है, तो यह पूरी पूरी संख्या क्या है छः से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सात से विभाज्य का नियम क्या है, दिए गए संख्या के आखिरी अंक में पाँच से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को बचे हुए अंकों से बनी संख्या में जोड़ दें, यदि वह नई संख्या सात से विभाज्य है तो दी गई संख्या सात से विभाज्य होगी। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एक संख्या है, ठीक है ना, इसको चेक करना है कि क्या यह सात से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो जो रूल मैं बताया हूं इसके अनुसार आप चेक करिए, इसमें क्या करिए पांच से गुणा कर दीजिए, पांच तिहाई पंद्रह, ठीक है,
बचे हुए अंक से जो संख्या बनी है उसमें 15 को ऐड कर दिए, तो 5 और 2 7, 8 1 9, 7 और 5। अभी भी नहीं पता चल रहा है कि यह संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर ये आखिरी वाले संख्या में 5 से गुणा करिए, 7 5 35 होता है, 35 को फिर क्या है बचे हुए अंकों से बनी संख्या में जोड़ देंगे। अब जोड़िए 9 और 5 कितना होगा 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 3 10 और 1 कितना रहेगा 11, आइए 5 1 6। अभी भी नहीं पता चला, कोई बात नहीं, 5 से फिर मल्टीप्लाई करिए, 5 चौको 20। अब देखिए कितना रहता है बचा हुआ जो संख्या है, 1 और 0 कितना होगा 1, 6 और 2 कितना होगा 8, ये कितना हो गया 81 हो गया। ठीक, अब इसको चेक करिए 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। देखिए अब अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि क्या यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आज ये इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 से 5 तिहाई 15, ठीक, इसको जोड़ लीजिए 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11 और 3 1 4। अभी नहीं पता चला, कोई बात नहीं, 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दिए, 5 के 15 15 आ गए, इसमें ऐड कर दिए 5 1 6 और 4 1 5। अब ये 56 आ गया ना, अब देखिए 7 और 6 कितना होता है 56, ये संख्या क्या है, ये वाली संख्या 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार आप 7 से डिविजिबिलिटी का जो नियम है इसके सहायता से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं 8 से विभाज्य का नियम। दिए गए संख्या के अंत के 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आइए चेक करते हैं इसको, ठीक है ना, आखिरी के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो दिए गए पूरे संख्या, दी गई पूरी संख्या 8 से पूरा पूरा विभाज्य है। आइए चेक कर लेते हैं, 8 से काटेंगे इसको 9 को तो एक बार में जाएगा, ठीक है, बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 8 से फिर एक बार में जाएगा, बचा कितना 2, 10 में से 2 8 गया कितना बचा 2, तो ये कितना हो जाएगा अब 24 हो जाएगा, तो ये कितना बार में चला जाएगा 8 से 3 बार में, 8 3 की 24, तो ये क्या है आखिरी के 3 अंक कट गए 8 से, अतः ये पूरी संख्या 8 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, आइए इसको आखिरी वाले 2 अंक को देख लेते हैं, ये 0 है और ये 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, सिर्फ 72 देते हैं, ठीक है ना, तो 72 8 से 8 9 72 8 9 72 8 से डिवाइड किए तो क्या हुआ 72 9 बार में आ गया, अर्थात ये संख्या क्या है 8 से डिविजिबल है। अब देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का मेथड क्या है, तो 9 से विभाज्य का नियम यह है कि वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह 9 से विभाज्य होगी, अर्थात वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसे देखिए ये एक संख्या दे दिया है, ठीक है ना, अब इसके अंक क्या है 4 7 9 1 6, तो इसको जोड़ते हैं 4 + 7 + 9 + 1 + 6, ठीक है ना, अब कितना हो जाएगा 4 और 7 11 और 9 20 और 1 21 और 21 और 6 कितना हो जाएगा 21 6 27 27। अब देखिए 27 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 से कितना बार में चला जाएगा 3 बार में, ठीक है ना, अर्थात ये क्या है ये दी गई पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। अब देखिए ये अगली संख्या इसको चेक कर लेते हैं 5 + 9 + 2 + 3 + 8, ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए 5 9 5 14 14 और 2 16 16 3 19 19 और 8 27, ये भी क्या है 9 से विभाज्य है 3 बार में, ठीक है ना, तो ये दी गई पूरी संख्या क्या है 9 से विभाज्य है।